प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में भारतीय नागरिकों को संबोधित करते हुए उनसे एक वादा लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आप हर साल 5 विदेशी दोस्तों को भारत देखने के लिए भेजेंगे। औरंगाबाद में राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो आंदोलन करेंगे। जोधपुर में 2 मई की देर रात झंडे लाउडस्पीकर को लेकर फैली हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 97 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा के बाद संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर पूरे जोधपुर के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने मां सावित्री से मिले। मां से मिलने के बाद सीएम योगी ने उनके साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का मंगलवार को ईद की मुबारक देने के दौरान दर्द एक बार फिर झलक कर सामने आ ही गया। उनके कुकी भाषा से यह तो तय हो गया कि ये आर पार की यह लड़ाई अब राजनीतिक होगी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अजान के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर जारी चेतावनी के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को कहा कि शहर में 803 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दे दी गई है, बाकी पर विचार जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका और पश्चिम अधिकारियों का मानना है कि यह एक ऐसा कदम है जो मॉस्को के रिजर्व बलों को पूरी तरह से जुटाने में सक्षम होगा। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि जनवरी मार्च तिमाही में उसका इंटीग्रेटेड नेट प्रॉफिट 7.21% घटकर 527 करोड़ रुपए रह गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 568 करोड़ रुपए रहा था। पंजाब किंग्स ने मंगलवार को हुए मैच में गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दे दी। शिखर धवन ने इस मैच में शानदार 50 जमाई और टीम को जीत दिला दी। आतिश शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी इमोशनल है। लंबे समय बाद शेट्टी फैमिली में ये पहली शादी होगी, इसलिए हर पिता की तरह सुनील शेट्टी भी सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। खबरों की माने तो एक्टर ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।